राधे, हरि ओम। तो लग रहा है आपको आज मेरा कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा लुक। यस गाइस, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ यमुना आरती। और थोड़ा मैं गंगा तो नहीं है, बट हाँ यमुना है, और यमुना गंगा होती है बहन बहन। चलिए मेरे साथ देखिए मथुरा की आरती, यमुना आरती, राम घाट से यमुना आरती। आ जाओ बेटा। और एक और रिया, रिया पता नहीं क्या रिया पड़ोसियों को लगा रही है भाभी आवाज। ज्योति रिया आ जाओ जल्दी। अरे हो अरे ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। कहाँ जा रहे हो? बोटिंग करने चाहती हैं आप आज मेरे लिए? बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं साड़ी पहन। रिया ने भी बोला ओ हमारी ब्लॉगर न्यू लुक। ब्लॉगर कभी कभी न्यू लुक दे देती है। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा यमुना घाट। वो आई है घाट पे अपनी अल्टन पलटन के साथ। दो लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी गए हैं दूसरे रिक्शे में। मथुरा में आके बस रिक्शे में बहुत बैठी हूँ मैं। इस शॉप, छोटी सी शॉप पे बहुत सारे तांबे तांबे के बर्तन। आ गए हैं हम उसी घाट पर जो आप सब ने देखा हुआ होगा। शाम के टाइम पे इसका व्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि सब करते हैं वेट यहाँ पर वोटिंग, और वेट कर रहे हैं यमुना आरती का। तो चलिए हम भी चलते हैं। किसी नाव लगी हुई है और सब वेट कर रहे हैं। तो भाई किट्टी बुआ की अल्टन पल्टन, आ जाओ बैठो। टिंग के लिए बच्चे हो गए बहुत एक्साइटेड और जा रहे हैं। चलिए चलिए। अरे डरो मत भाभी। भैया पकड़ो, टुक टुक फर्स्ट टाइम बैठा है बोट में। टुक टुक आओ यू फील। हाँ 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 बता से चढ़ा दो, वायु के हाथ से भी चढ़वा दो। कुनू आपको डर लग रहा है क्या? ये जय यमुना मैया। ये सामने व्हाइट कलर का दुर्वासा ऋषि जी का टीला, आगे में तो फिंगर ही नहीं दिख रही। इधर ये व्हाइट कलर का दुर्वासा ऋषि वो थे ना? दुर्वासा ऋषि थे, केवल दूध गा के मतलब उन्होंने तपस्या करी थी अपने यहाँ। तपस्या की थी दुर्वासा ऋषि ने वहाँ पर। यमुना जी बहुत ज्यादा फुल अपने पीक पर है लहराती हुई। इसी बीच आ गया है कॉल, थोड़ा करना पड़ेगा स्टॉप। वो वाली ना देखो, वो वाली बोट कितनी प्यारी, उसमें तुलसी के वो लगे हैं, क्या लगाया भैया? आरती कितने बजे स्टार्ट होती है? साढ़े सात। आप कहाँ ले जा रहे हो उस साइड? अच्छा कंस के लिए पर। रिया गाइज, आप रिया को तो जानते ही होगी, पिछले दो तीन ब्लॉग्स में आप देख रहे हो। मिस सात्विक, रिया मिस सात्विक। तो रिया जहाँ यमुना जी की आरती होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस घाट को बोलते हैं विश्राम घाट, जहाँ पे यमुना जी की आरती होगी। और उसको विश्राम घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंस को मारने के बाद जो कन्हैया थे और बलराम जी थे, उन्होंने वहाँ पे आके विश्राम किया था। और अभी थोड़ी आगे चल के कंस किला ही आने वाला है, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कंस किले में और विश्राम घाट पे। तो कंस को मारने के बाद वहाँ पे आके रेस्ट किया था आराम से, इस विश्राम किया था, इसलिए उस घाट को कहते हैं विश्राम घाट। बैक कैमरा करके दिखा दो। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं वो है कंस किला, वहाँ कंस रहता था, मामा कंस। कहाँ है वो? इधर वो, ये सारा ये वाला। हाँ हाँ, ये रेड रेड जो है सारा कंस किला है।
दिखाने वाली हूँ यमुना आरती, और मैं रहती हूँ मथुरा में, मथुरा आई हुई हूँ। तो किस किस को देखना है श्री कृष्ण की जन्मभूमि? गाइस, नो वन कैन बीट द नेचर। वहाँ हुआ था सन सेट और यहाँ हो रहा है मून रेज। ये देखिए सामने चंद्रमा। आज पूर्णिमा है क्या? आज पूर्णिमा है, यह है पूर्णिमा का चांद। तो मैंने आपको दिखा दिया पूर्णिमा का चांद। और ये मेरा चांद, मम्मा का चांद, अच्छा लग रहा है। ओ दूर निकाल दिया। आज से ये है कंस टीला। कंस टीला कहते हैं, कंस किला, टीला किला, टीला किला। बच्चे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, लग रहा है कि कूद जाए यमुना में। ये बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। हाँ एंजॉय, बहुत परेशान कर रहा है। बोल रहा है मैं छोड़ तो जाऊं। इसकी मना रहा है, देखो पीछे देखो, बोट आई, देखो बोट आ रही है, बोट आ रही है, देखो। अगर आपको आप बताओ तो इतना स्लो क्यों बोल रहे हो आप? गोदिया पे गोदिया मिल रही हैं, गोदिया होती जा रही है वायु की चेंज। अच्छा रुको, चलो हम पीछे ना, बैठो। और भाभी को लग रहा है डर, क्यों मौजा ही डर लग रहा है? डर लगता है मुझे यार। अच्छा ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओ टुक टुक कुछ बोल रही है, टुक टुक। हो चुका है शाम, नहीं की शाम तो हुई है, दिन ढल रहा है तो मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर आने लगे हो, काट रहे हैं। यहाँ ये छोटे बच्चे टुक टुक ले भैया ले ले। अच्छा देखो देखो सुनो, ये श्री कृष्ण के समय का सब बहुत पुराना मथुरा। मथुरा में इसी टाइप की मतलब की बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। हाँ अरे इसी यमुना से वो कौन थे उनके पापा पहले वाले? अरे वासुदेव इसी यमुना नदी से इस पार से उस पार लेके गए थे श्री कृष्ण को सूप में। तो यहाँ रिया बताने जा रही है एक और स्टोरी। हाँ बताइए। हमारे मथुरा में टोटल 6 टीले हैं। हाँ और जहाँ हम रहते हैं उसी के आसपास, मतलब जिस जगह हमारा घर है ना, पूरे टपोस स्थली है वो। हमारी कॉलोनी का नाम भी किसके ऊपर है? ऋषियों के ऊपर है। तो सप्तऋषि, सप्तऋषि का टीला है सबसे पहला हमारे यहाँ, ठीक है? सबसे पहले सप्तऋषि का टीला जहाँ पे 7 ऋषियों ने बैठ के तपस्या करी थी। उसके बाद है राजा बलि का टीला, जिसके लिए भगवान जी ने वामन अवतार लिया था ना, तो उन्होंने भी वहीं पे तपस्या करी थी राजा बलि ने। गाइस मॉमी बनने के बाद क्या क्या करना पड़ता है? तो देखिए एक मेरी भाभी का दुख बताइए। फोन चल रहा है, उसको ऐसे रखना पड़ रहा है। टुक टुक, आप नहीं नो ना, आप तो अच्छे बच्चे हो। फोन चला चला के बच्चों को बोट में रखना पड़ रहा है। बोलो। हाँ आपको टीथ आ रहे हैं? आपको टीथ आ रहे हैं? मामा जैसे टेढ़े मेढ़े नहीं लाना, मामा की तो टेढ़े मेढ़े टीथ है छोटे वाले। हाँ व्यू आज का बहुत ही खूबसूरत है, आज हम बहुत प्यारे व्यू में आए हैं। हाँ बट्टू मेरा बेबी फुल एंजॉय करता है। कुन बैठ जाओ बेटा, यमुना आरती का। यमुना आरती स्टार्ट होती है 7:30 7:30 बजे, और वो कब होती है? जब श्री द्वारका नाथ के पट बंद हो जाते हैं तब यमुना आरती स्टार्ट होती है। ओ मेरी बिट्टी, चीज और बता दूं, सामने जो बोट है उसमें मजीरे ढोलक सब है, वो लोग कीर्तन करते हुए एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। मम्मी को लाते तो हम भी ढोलक ला सकते थे, है भाभी? हाँ मम्मी ढोलक बजाती, मजीरे वगैरह लाते, मस्त एंजॉय करते। आरती के लिए भीड़ होने लगी इकट्ठी। हाँ आ जाओ।
सुन बच्चे जिनको देश दुनिया आ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फोन देखते हुए अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये अच्छा है ट्रिक बच्चों को बिजी रखने की। देखिए ये कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए। ये है जिंदगी में बहुत ही सुखद परमानंद को किया जा रहा है साइड साइड से, सभी लोग अपनी अपनी बोट को कर रहे हैं सेट। भाई एकदम कोने में मत लगाना है, थोड़ा सा वहाँ लगाओ,